जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन दोस्तों जो कुछ भी फर्स्ट सेशन के दौरान हुआ वो सब हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, रिमेंबर द नेम, क्योंकि ये नाम इतना बड़ा बन चुका है दोस्तों, बल्लेबाजी की हम इनकी तारीफ करेंगे ना कि गेंदबाजी की। गेंदबाजी में तो हमेशा कमाल करते ही हैं और पिछले कुछ अगर सालों के रिकॉर्ड्स उठा के देखे जाए तो इन तेज गेंदबाजों के दम पर ही टीम इंडिया ने कई मौके पर वापसी की है, कई मौके पर जीत भी दर्ज की है। लेकिन यहाँ पर बल्ले से जो कमाल करके दिखाया वो बड़े से बड़ा दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज दोस्तों इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर नहीं कर पाया इस अभी तक की सीरीज के दौरान। आप सभी को बता दें कि सेकंड इनिंग के दौरान जो टीम इंडिया की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है अजिंक्य रहाणे की तरफ से 146 गेंदों में 61 रन बनाए गए। लेकिन दूसरी तरफ हम मोहम्मद शमी और यहाँ पर बुमराह की बात करेंगे कि वो कितनी तेजी से यहाँ पर इस रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज दिन की जब खेल की शुरुआत हुई तो टीम इंडिया 181 रन 6 विकेट के नुकसान पर थी। ओवर दोस्तों 82 हुए थे, यानी करीब करीब अब 30 ओवर का जो एक पहला सेशन होता है उसमें से दोस्तों आपको बता दें जो आज पहला सेशन रहा उसमें कुल कितने ओवर फेंके गए, कितने रन बने और कितने विकेट गिरी। अब दोस्तों 6 विकेट पहले गिर चुकी थी, 4 ही विकेट बची थी, वो भी टेल एंडर बल्लेबाज जो दोस्तों कभी भी आउट हो सकते हैं, बस उनके लिए तो हर गेंद फ्री होती है कि हर गेंद पर बल्ला घुमाओ ताकि टीम के लिए स्कोर बनता रहे और आगे स्कोरबोर्ड बढ़ता रहे। तो दोस्तों जो फर्स्ट सेशन खेला गया उस दौरान दोस्तों करीब करीब 26 ओवर का खेल हुआ जिसमें 105 रन बने दोस्तों 2 विकेट के नुकसान पर। एक विकेट दोस्तों ऋषभ पंत का, एक विकेट ईशांत शर्मा का। सबको उम्मीद थी ऋषभ पंत से कि बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करके ये टीम इंडिया की पूरी तरीके से वापसी कर देंगे, क्योंकि हर कोई यही आशंका जता रहा था कि आज टीम इंडिया दोस्तों पहले 181 रन फर्स्ट इनिंग के बाद सेकेंड इनिंग बना चुकी है, उसमें से 27 रन माइनस कर दो, क्योंकि जो इंग्लैंड ने 391 रन कप्तान जो रूट के 180 रन की दमदार पारी के बाद बनाए थे उसमें 27 रन की लीड ले ली थी फर्स्ट इनिंग में। तो दोस्तों ऐसे करते हुए करीब 153 रनों की लीड ही हो रही थी। लेकिन जब आज दिन की शुरुआत हुई तो ऋषभ पंत भी दोस्तों ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए और 85वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों यहां पर आउट हुए और वो विकेट लिया था रॉबिन्सन ने, कैच पकड़ी थी पीछे खड़े विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर ने। तो 194 रन पर दोस्तों 7वां विकेट गिर चुका था। इसके बाद जो 3 विकेट गिरने थे दोस्तों वो तीनों के तीनों ही गेंदबाज जो सिर्फ बल्ला घुमाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ आंखों पर यकीन ना करने वाला एक ऐसा चमत्कार हुआ है दोस्तों लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर। और बल्लेबाजी सिर्फ ऐसी नहीं कि किसी भी गेंद पर बल्ला घुमा दिया, हर क्रिकेटिंग शॉट्स, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग जब खुद कॉमेंट्री कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि क्या आला दर्जे की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे शॉट तो खुद मैंने नहीं खेले। यहां तक कि कई मौके पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तारीफ करी उनके स्ट्रेट ड्राइव को लेकर। बहुत बेहतरीन दोस्तों यहां पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने पारी खेलते हुए जो रूट की आंखों से आंसू निकालने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कई मौके ऐसे आए जब इन दोनों ही जो गेंदबाज हैं वैसे तो बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन इनको स्लैच किया गया, मार्क वुड ने, जॉस बटलर ने, जो रूट ने भी दोस्तों कुछ भला बुरा कहने की कोशिश की ताकि इनकी एकाग्रता, जो इनका बैटिंग में अच्छा फॉर्म आ चुका है, वो भंग हो जाए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने बिल्कुल होश के साथ काम लेते हुए अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स दिखाए। आपको बताएं दोस्तों जब 194 रन पर 7वां विकेट आ चुका था तो हर किसी को लग रहा था कि अब इसमें 27 रन पहले तो आप माइनस कर दीजिए, करीब 170-180 करीब आपके हिसाब से मन में सबके चल रहा था कि 200 रन तक भी अगर टीम इंडिया फर्स्ट सेशन के दौरान जो अभी 10 ही ओवर 15 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों टीम इंग्लैंड को कम से कम 200 रन तो चेस करने के लिए दिए ही जाएं बचे हुए सेशन के मुकाबले के लिए। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज मैदान पर ऐसी रनों की आंधी आएगी जो उड़ाएंगे दोस्तों यहां पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि 194 के बाद दोस्तों जब 8वां विकेट आया तो ईशांत शर्मा का आया 209 रन पर, वो 16 रन की पारी खेल के गए थे, ये 16 रन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए। वैसे तो यहाँ पर ईशांत शर्मा अपना काम कर रहे थे, ऋषभ पंत का काम ये था कि ईशांत शर्मा को ज़्यादा स्ट्राइक ना देते हुए खुद यहाँ पर बल्लेबाजी करें, लेकिन पहले ऋषभ पंत ही आउट हो गए क्योंकि पूरी की पूरी टीम इंग्लैंड दोस्तों ऋषभ पंत के खिलाफ ही रणनीति बनाकर उतरी थी, उनके मन में सिर्फ एक ही टारगेट था और वही इतिहास दोहरा रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर ऋषभ पंत सबसे खतरनाक साबित थे, वहाँ पर संकट मोचक बनकर आए थे तो यहाँ पर भी ऋषभ पंत को ही सबसे पहले आउट करना है। तो ऋषभ पंत को तो उन्होंने आउट कर दिया, जो उन्होंने रणनीति बनाई थी वो काम आ गई। उसके बाद दोस्तों ईशांत शर्मा को भी ज़्यादा देर नहीं लगी, जो उम्मीद के साथ लग रहा था कि टेलेंडर बल्लेबाज से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, 16 रन बना दिए उन्होंने बहुत है। तो 16 रन की पारी खेल के जब ईशांत शर्मा वापस गए 209 रन के बाद दोस्तों अब 286 पर टीम इंडिया लंच ब्रेक तक पहुंच गया है। अब आप सोच ही सकते हैं किस आला दर्जे की बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की हो, क्योंकि दोस्तों
70 रन की अभी तक पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है, जिसमें 67 गेंदों में महज 52 रन बना दिए हैं मोहम्मद शमी ने। ये इनका दूसरा अर्धशतक है इनके करियर का, और दूसरा अर्धशतक भी दोस्तों इंग्लैंड के मैदान पर आया। इससे पहले भी इन्होंने पहला अर्धशतक इंग्लैंड के मैदान पर ही लगाया था। 5 चौके और एक बहुत बेहतरीन छक्का इन्होंने लगाया दोस्तों। इसमें जो 5 चौके हैं, दो बारी तो ऐसा मौका बना था कि वो छक्के के बिल्कुल 6-7 सेंटीमीटर दोस्तों मान लीजिए कि बाउंड्री तक गिरी थी। इतने बड़े बड़े स्टेडियम, अगर आपने स्टेडियम की तस्वीरें या वीडियोस में देखा होगा तो बिल्कुल 6-7 सेंटीमीटर से ज़्यादा था, लेकिन जो एक छक्का लगाया था वो तो और भी ज़्यादा शानदार था। जसप्रीत बुमराह ने भी दोस्तों 58 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए, क्योंकि वो देख रहे हैं सामने मोहम्मद शमी बल्ला चला रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। जेम्स एंडरसन हो, चाहे रॉबिन्सन हो, सैम कुरन हो, मोइन अली हो, कोई भी आ जाए वो आराम से अपना इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 30 रन की पारी अभी तक जसप्रीत बुमराह ने, मोहम्मद शमी ने 52 रन की पारी खेली है। मार्क वुड ने 3 विकेट चटकाए हैं अब तक, ओली रॉबिन्सन ने 2 विकेट, 1 विकेट सैम करन ने, मोइन अली ने 2 विकेट। आपको बता दें ओली रॉबिन्सन ने 2 विकेट इसी सेशन में चटकाए हैं, इससे पहले इनके नाम विकेट नहीं था। इसी सेशन में ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा का विकेट उन्होंने लिया है। अब दोस्तों आपको कुछ ऐतिहासिक आंकड़े बता देते हैं। 1982 में दोस्तों 66 रन की पारी कपिल देव और मदन लाल के बीच लॉर्ड्स में ही हुई थी। इसके बाद 72 गेंद में बुमराह और शमी के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हुई साल 2021 में। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऐतिहासिक पारी क्यों है। लॉर्ड्स के मैदान पर 1982 में 9वें विकेट के लिए दोस्तों जो पार्टनरशिप थी वो 66 रन की अब तक की बताई गई है, लॉर्ड्स के मैदान पर हाईएस्ट थी वो। 72 गेंदों में दोस्तों 50 रन की पार्टनरशिप बनाई, इसके अलावा अभी तक पहुंच चुके हैं ये दोनों 77 रन तक, यानी कि इन्होंने यहां पर ये रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया। इसी के साथ साथ 13 साल बाद सेना देशों में, यानी कि सेना यानी कि SENA, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैदान पर सरजमी पर रन बनाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती, लेकिन इन गेंदबाजों ने अच्छी पारी खेली और पार्टनरशिप 50 की 9वें विकेट के लिए। इससे पहले दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण और आरपी सिंह के बीच पर्थ टेस्ट में साल 2008 में यह कमाल हुआ था, उनके बीच 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी। आपको बता दें दोस्तों जब 93 ओवर का इस मैच का चल रहा था ओवर, तो उसके समय दोस्तों इतना ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो गए थे इंग्लैंड के ये गेंदबाज, जिनको गेंदबाजी करते करते कि वो चाह रहे थे कि किसी भी कीमत पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को चलता किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों तीखे बाउंसर का सामना कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और स्लेजिंग हो रही है, काफ़ी अपशब्दों का सुनने को मिल रहा है। बार बार शमी और बुमराह दोस्तों आपको एम्पायर के पास ही जाते दिखेंगे, क्योंकि वो शिकायत कर रहे हैं कि ये उल्टा बोल रहा है, ये बुरा बोल रहा है। अब किस किस को रोके, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी भी तरीके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आउट किया जाए, क्योंकि दोस्तों बचे हुए 2 सेशन में अब इतने जो लीड ले ली है 259 रनों की, उसको चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब यहां से मैच ड्रॉ की स्थिति में ही देख रही होगी टीम इंग्लैंड, लेकिन देखते हैं क्या टीम इंडिया सेशन 2 में यहां पर पारी डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये कर रहे हैं वो तो अच्छी लग रही है, देखने में भी मज़ा आ रहा है। विराट कोहली तो पूरा लुत्फ उठा रहे थे हर चौके पर दोस्तों, बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहे थे। साथ ही साथ जब अर्धशतक कंप्लीट हुआ जसप्रीत बुमराह का, तो पूरे ग्राउंड में बैठे सभी दर्शकों ने दोस्तों खड़े होकर तालियां बजाई। इतनी तालियां तो रोहित शर्मा, KL राहुल, कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे की 50 पर भी नहीं बसती जितनी तालियां बुमराह की अर्धशतक पर बजी, क्योंकि इसमें कुछ खासियत है, ऐसा कमाल पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसीलिए दोस्तों ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहा जा रहा है। भले ही आपको लॉर्ड्स के मैदान पर दादा का वो किस्सा याद होगा जब साल 2002 में उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के सभी इंग्लैंड के फैंस को और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चिढ़ाया था, लेकिन अब आपको ये याद आएगा कि किस प्रकार से बुमराह और शमी ने आखिरी में आकर 9वें विकेट के लिए इतनी अच्छी पार्टनरशिप करी थी। एक वो वक्त था दोस्तों जब राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने एक ऐसी पारी खेली थी जो हमेशा यादगार रही। ऋषभ पंत की पारी हमेशा यादगार रहेगी, ऑस्ट्रेलिया गाबा के मैदान पर खेली गई। साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन की पारी वो यादगार रहेगी, जब आपको याद ही होगा किस प्रकार से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेली थी। लेकिन अब एक ये पारी आपको यादगार रहेगी हमेशा के लिए। तो टीम इंडिया दोस्तों लंच ब्रेक तक फर्स्ट सेशन के दौरान 259 की लीड ले चुकी है। हर दिग्गज ने यहीं पर ये एक भविष्यवाणी की थी कि कम से कम 230 रन की अगर लीड ले लेगी टीम इंडिया तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन अब 259 रन की लीड ले ली है, 286 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं, 108 ओवर तक का खेल हुआ है। और आज के दिन की बात करें दोस्तों टोटल कितने ओवर हुए, तो टोटल आज अभी तक 26 ओवर हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, और शाम के समय दोस्तों धीमी लाइट का भी सामना करना पड़ता है बल्लेबाजों को, और सारे ही तेज गति के गेंदबाज हैं, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात रहेगी। तो आज दोस्तों जो कुछ भी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हुआ वो सचमुच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। कप्तान जो रूट की कप्तानी दोस्तों इस समय बहुत खराब देखने को मिली, क्योंकि वो कभी मोइन अली ला रहे हैं, कभी सैम करन, कभी मार्क वुड, हर एक एक ओवर के बाद वो गेंदबाज को चेंज कर रहे हैं। फील्डिंग में दोस्तों खराब देखने को मिली, एक कैच जो रूट से छूटी, एक कैच जोनी बेस्टो से छूटी,
एक रनआउट मिस कर दिया। तो दिक्कत वाली बात यह भी है कि अब यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, उनके अंदर परेशानी भरी हुई है कि कैसे इन दोनों बल्लेबाज को यहाँ से चलता किया जाए। देखते दोस्तों क्या पारी को डिक्लेयर कर देंगे विराट कोहली, क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो 26 ओवर का खेल आज पूरे दिन में हुआ है और अगर 90 ओवर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ओवर अभी बचते हैं दोस्तों, यहाँ पर 64 ओवर करीब बचते हैं। लेकिन इनमें से अगर 50 से 60 ओवर तक का भी खेल होता, धीमी बारिश यहाँ पर हल्की हो रही थी, लाइट भी डिम हो रही थी, अगर 50 से 60 ओवर का भी खेल होता है तो वनडे के मुकाबले के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, जो टीम इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि टीम इंग्लैंड के बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज खासकर उनका साथ नहीं दे रहे। सिर्फ कप्तान जो रूट और जोनी बेस्टो का अब तक का इस सीरीज में बल्ला चला है, बाकी सब पूरी तरीके से शांत हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। 259 रन लीड पर चल रही है टीम इंडिया फर्स्ट सेशन के दौरान। शमी दोस्तों 52 रन पर खेल रहे हैं और बुमराह 30 रन पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।